देखिए, मेरा नाम प्रमोद और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मतलब नैलको के बारे में, जो इसकी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या बूम इसके अंदर आया, 3% का आ चुका है अब तक लगभग। और अगर आप देखें ओपनिंग के टाइम से अभी तक आप गिरावट में मान सकते हैं, 3.5% ओपनिंग हुई थी, लेकिन अब वो कम बैक कर रहा है। उसी के साथ अगर आप देखें पिछले 5 दिन के अंदर जो गिरावट थी उसको भरपूर करने की कोशिश कर रहा है। तो स्टॉक की जो ब्रेकिंग न्यूज़ उसके ऊपर चलते हैं। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अगर चले हम न्यूज़ बेसिस पे कि कोई लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, तो आप देख सकते हैं नैलको शेयर प्लग ओवर 10% टुडे, वाई मोतीवाल ओसवाल हैज बाय ओन स्टॉक पोस्ट क्वार्टर वन रिजल्ट्स। तो एक ये थी जो मोतीवाल ओसवाल था वो पॉजिटिव था, उनको पता था कि इसका जो क्वार्टर आएगा रिजल्ट अब की तौर पर आएगा पॉजिटिव तौर पर आया था, इसलिए उन्होंने बाय के लिए कहा नैलको को। चाहे गिरावट रही 10% की परसों के दिन, लेकिन फिर भी आपके लिए, अगर आपका अब रिजल्ट सुनाई देता हूँ मैं नैलको का। नैलको क्वार्टर वन नेट प्रॉफिट अप एट 348 करोड़, सेल्स अप 979%। सेल्स देख के आप खुश हो गए होंगे, इतनी ज़्यादा सेल्स अप हुई है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नैलको आर लीडिंग CPSE एंड प्रोड्यूसर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनिया posted our profit of 347 crore from the first ended quarter of June 30 against 16 crore achieved in corresponding quarter of the previous financial. तो पिछली साल बस 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इस बार 347, आप गुना अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद तय था कि पॉजिटिव खुलेगा मार्केट के अंदर और जाएगा भी पॉजिटिव। बीटिंग अ मार्केट एक्सपेक्शन चैलेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट द कंपनी डिड पोस्टेड रोबस्ट परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल इट्स बिजनेस सेगमेंट। तो आप देखिए सारे बिजनेस सेगमेंट के इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट अभी कोविड का चल रहा है उसके अंदर भी उन तोड़ को छोड़ के इतना बड़ा प्रॉफिट देना बहुत काबिले तारीफ है। कंपनी रिपोर्टेड रेवेन्यू ऑपरेशन फ्रॉम 2474.55 crore एंड इंक्रीज ऑफ 79% एज कम्पेयर टू ₹1380 crore अचीव्ड इन द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर। रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। अगर आप देखें दिस इज अ मेनली प्रोपेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ हायर वॉल्यूम, बेटर रिजोल्यूशन एंड इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स ऑपरेशन यूनिट्स ऑन द प्रोड्यूसर प्रोडक्शन फ्रंट ड्यूरिंग द क्वार्टर। द प्रोडक्शन ऑफ बेक्सुटी एल्यूमिनियम हैव बीन, आप देख सकते हैं ये बाकी डिटेल्स की कौन कौन से एल्यूमिनियम कितना कितना उसके बारे में पढ़ सकते हैं आप यहाँ से आके। बाकी अगर मैं शेयर के प्राइस के बारे में बात करूँ, जो पॉजिटिविटी देखने को आपको अभी मिल रही है वो बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी। अगर बात करूँ पिछले 5 दिन के अंदर जो गिरावट थी 12% जो प्लग हुई थी, लेकिन जो मोतीवाल ओसवाल टिके हुए थे वो इस वजह से थे कि उनको लग रहा था बहुत बेहतर जाएगा। महीने भर में गिरावट हुई, 6 महीने में जो रिटर्न परफॉर्मेंस दिए स्टॉक ने काबिले तारीफ है। महीस 1 साल के अंदर लगभग आप देखेंगे 166 या आप देखते थे 200% रिटर्न देने की कोशिश में,